क्या और राम चंद्र की है, मार मत तुलसी वाले की है। महाराज जी जो बीकानेर से पधारे हैं, आपकी ये आज्ञा है कि आज जो है भगवान विष्णु के ध्यान और मानसिक पूजा की बात सुनाई जावे। आपका ये कहना है कि पुस्तक में तो हम लोग पढ़ते हैं किंतु रूपकार सुनना चाहते हैं। भाव यह है कि पुस्तक में तो इतनी बातें आ नहीं सकती, पुस्तक में तो साधारण बातें आती है और कर कर दिखलाने में वो बात विशेष समझ में आ जाती है और वो ठीक साथ कही जाती है, विस्तार से कही जाती है और भाव से कही जाती है। पुस्तक में तो हा भाव तो नहीं मिलता। तो सभी माता बहनें भाई लोग जो है ऐसा मन में निश्चय करके सुने कि आज भगवान का ध्यान एकदम अपना प्रत्यक्ष की माफ की लगना चाहिए। ये चीज तो ऐसी है कि रोज एक प्रकार से भगवान का ध्यान रोज किया जावे, पूजा रोज बतलाई जावे तो भी कोई इसी चीज नहीं। जैसे गीता का पाठ हम लोग रोज ही करते हैं, तो ये बात आपने बहुत ही बढ़िया कही। तो इस विषय के माँ आप सब कोई ध्यान से सुने और सुनने के समय में उसी प्रकार साथ साथ में बनी बनी में करते जावे, उसी प्रकार से भगवान के स्वरूप को देखते जावे। प्रथम तो सब कोई को अपने सुख पूर्वक बैठना चाहिए, जैसे भगवान ने गीता में बतलाया कि समं काय शिरो ग्रीवम, काया और ग्रीवा और मस्तक को एक सूत्र में रखना चाहिए, माने सीधा रखना चाहिए। इस प्रकार से आश्रम से बैठ करके फिर भगवान का आवाहन करना चाहिए। हम भगवान विष्णु का ध्यान करें तो उसके पूर्व के बीच के माँ भगवान विष्णु का आवाहन करना चाहिए और आवाहन के माँ उसके नाम का जो कीर्तन है वो सबसे बढ़कर है। तो नारायण भगवान विष्णु का ही नाम है। नारायण शब्द में क्या रक्षा है, नारायण, और भगवान विष्णु के प्यारी भुजा है, प्यारी आयुध है। ये समझना चाहिए कि परमात्मा निराकार रूप से सत्यचितान धन रूप से सब जगह के माँ विराजमान हैं। वही स्वयं निराकार ही समझो के प्रेम से साकार रूप में प्रकट होते हैं। ध्रुव जी महाराज ने मधुवन में जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया और चतुर्मूर्ति का ध्यान किया तो भगवान विष्णु उसके सन्मुख प्रकट हुए। तो भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समानम्, हरि व्यापक सर्वत्र समानम्, प्रेम ते प्रगत होइ मैं जानम्, सब जगह के वहां समान भाव से व्यापक हैं और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं देवताओं की सभा में इस बात को मैं जानता हूं। हम लोगों के बीच के वहां प्रेम हुए तब तो भगवान साक्षात ही प्रकट हो जावे, किंतु भगवान का जो ध्यान है ये तो मनुष्य आपने कर सकता है, बिना प्रेम के भी ध्यान तो कर सकता है। साक्षात भगवान का प्रकट होना तो प्रेम से ही होता है और ध्यान तो मनुष्य कर सकता है, और भगवान की तो कृपा है ही, उनकी तो मदद है ही। तो हम लोगों को भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए जो शास्त्रों में जैसा बतलाया है। भगवान निर्गुण निराकार रूप से यानी सत्यचित्तानंद घन रूप से सब जगह के बीच के वहां समभाव से सदा ही विराजमान रहते हैं और
याद करने से भी वे तो प्रकट हो जाते हैं। नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण அச்சலானந்தம் துருவானந்தம் நித்யானந்தம் புத்தஸ்வரூபானந்தம் ஞானஸ்வரூபானந்தம் ஆனந்தி ஆனந்தம் ஆனந்தி ஆனந்தி ஆனந்த சப்தகாம பரிபூர்ண ஹே யே ஆனந்தமே ஜோ பரமாத்மா கா ஸ்வரூப ஹே யே நிராகார் ஹே ஆனந்த கே கோய் ஆகார் நஹீ ஹோதா மானோ ஹம் சப் கோய் ஆனந்த கே சாகர் கே மா டூபே ஹுவே ஹே நேத்ரோ கோ பந்த் கர்கே தேக்தே ஹே तो नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह आनंद ज्ञान परिपूर्ण हो रहा है, बड़ी बारी शांति परिपूर्ण हो रही है, मन में बुद्धि में इंद्रियों में नीचे ऊपर बाहर भीतर जो शांति प्रतीत होती है ये परमात्मा सही है। अरे जो चेतनता ज्ञान की बाहुलता जो प्रतीत होती है ये भी परमात्मा सही है, क्योंकि परमात्मा शांतिमय है, आनंदमय है, ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो नेत्रों को बंद करने से ये बात मानो प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। आप ध्यान देकर के देखें कैसी प्रसन्नता हो रही है, कैसी शांति हो रही है, कैसा आनंद हो रहा है। तो भगवान सब जगह के बीच के वहां समभाव से निराकार रूप से विज्ञानान घन रूप से परिपूर्ण हो रहे हैं, और यही भगवान समझो कि आपने सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। पर समझो तो सारे संसार में महान प्रकाश प्रतीत होता है, नेत्रों को बंद कर लेने पर भी सफेद प्रकाश सब दुनिया के बीच के वहां सारी दुनिया सहसन हो जाती है, एक प्रकार से प्रकाशमय हो जाती है। किसी को बुलाते हैं तो उसका ना उच्चारण करते हैं, कोई मुझको बुलाता है तो मेरा ना उच्चारण करके पुकारता है तो झट में रुक जाता हूँ और देखता हूँ कौन बुलाता है, तो बुलाने वाले के पास जाता हूँ। तो भगवान का आह्वान करना, पुकारना, बुलाना एक ही बात है। तो कैसा भगवान का स्वरूप है कि अलौकिक है, कि देखो एक प्रकार से ये भी भगवान का निराकार स्वरूप है, जो विज्ञानान घन सप्तम ज्ञानंतम ब्रह्म विज्ञानान घन ब्रह्म, ये सप्तम ज्ञानंतम ब्रह्म जो परमात्मा जो है ये स्वयं समझो कि सज्जु के आदि के बीच के माँ भगवान विष्णु के रूप से प्रकट हुए थे। तो उनका हम भीतर से आह्वान करते हैं, आनंदमय 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 आनंद ध्यान सब जगह में परिपूर्ण हो। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय आनंदमय आनंदमय। देखो कैसा सम और शांति में प्रकाश परिपूर्ण हो रहा है। ये जो महान जो प्रकाश है, इस प्रकाश के पुंज जो है वही भगवान विष्णु है। आकाश के बीच के माँ भगवान से विराजमान हो रहे हैं, मानो हमारे से थोड़ी दूर के ऊपर, चार पांच हाथ की दूरी के ऊपर भगवान मानो एकदम प्रकट हो गए हैं। भगवान का स्वरूप जो है सो मन से देखना चाहिए, नेत्रों को बंद कर करके और आकाश के वहां प्रत्यक्ष के वहां भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। भगवान का स्वरूप करीब लंबा जो है 5-5.5 फुट है और चौड़ा करीब 1.25 फुट है। ऐसा भगवान का स्वरूप आकाश के बीच के माँ विराजमान। भगवान का जो विग्रह है बहुत ही सुंदर है और बहुत आकर्षण करने वाला और बहुत ही एक प्रकार से थी उनका समझो कि नील वर्ण होते हुए भी सफेद प्रतीत होता है। कारण यह है कि प्रकाश महान होने से प्रकाश सफेद है, प्रकाश की सफेदी के कारण से भगवान का उज्जवल जो वर्ण है सफेद जो वर्ण है ऐसा प्रतीत होता है कि जिसके मानो नील रंग की झलक हो ऐसा एकदम चमचम चमक रहे हैं। भगवान का स्वरूप जो है दिव्य है, अलौकिक है। ये हम लोगों के जैसे पार्थिव शरीर नहीं है, हाडमांस का शरीर नहीं है, ये दिव्य शरीर है। शंख चक्र सक्रीट कुंडलं सपीत वस्त्र सरसी रोहेक्षणम सहार वक्षा स्वकोष्ठ नमामि विष्णु तीर्था चतुर्भुजम। कैसा आपका स्वरूप है कि शंख और चक्र सहित
और कैसा है? कानों में कुंडल और मस्तक के ऊपर मुकुट है, सकीट कुंडल, कुंडल और क्रीट के सहित क्रीट माने मुकुट, सफेद वस्त्र माने पीत वस्त्र के सहित पीताम्बर पहरे हुए, सर श्री रेखण जी के नेत्र कमल के पत्ते की माफक आकृति वाले कमल के पुष्प की माफक खिले हुए, और सहार बक्षा संकोष वस्त्र, बक्षस्थल जो है छाती जो है हृदय उसके, वहाँ श्री लक्ष्मी जी को चिन्ह है, उसके ऊपर भृगु जी की लता को और कोष्ठ मणि धारण करके है। ऐसे चतुर्भुज भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। शशंख चक्रं सक्रीट कुंडलं सपीत वस्त्रं सरसी ध्रुवेक्षणं सहार वक्ष सरकोष्ठ वस्त्रं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुज। ऐसे चतुर्भुज, ऐसे चतुर्भुज भगवान विष्णु को मैं सिर से साष्टांग नमस्कार करता हूँ। ये भगवान मानो हमारे सामने अपने विराजमान हो रहे आकाश के बीच में, उनका प्रकाश सारी दुनिया में फैला हुआ है। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश सारी दुनिया में फैला हुआ रहता है, चंद्रमा आकाश में है बहुत दूर पर है, और ये हम लोगों के इसी कमरे के वहां बहुत ही नजदीक है। भगवान एकदम अपने सामने खड़े, उनके चरण बड़ी कोमल और बहुत ही सुंदर है, और वैसे भगवान की उंगलियां और उंगलियों के ऊपर नाखूनों की ज्योति एकदम चमक रही है। चरणों का जो तलवा है, भगवान आकाश में रहने से उनके नीचे का भाग है तो दिख रहा है। भगवान के चरणों के जो अंगूठे हैं उनमें चक्र का चिन्ह है, वहाँ चक्र की रेखा है, और उंगलियों के वहाँ शंख की रेखा, और पगथली जो है उसे उसके नीचे के बीच के वहाँ ध्वजा जो है, अंकुश जो है, वज्र है, गदा जो है, जव जो है, इनके चिन्ह है भगवान के, और रेखा और अनेक प्रकार के शुभ सुंदर चिन्ह हैं। और भगवान मानो और नीचे को आ गए, ऊपर का भाग भी दिखने लगा, तो भगवान के चरण बहुत ही सुंदर चमकीले कोमल, चरणों को छूने से शरीर में रोमांच उड़ते हैं, और आनंद की संजो की लहरें शरीर में उड़ती है, जैसे सागर के बीच के मां जल की लहरें उड़ती है, आनंद की लहरें उड़ती है। भगवान के जैसे चरण ऐसे ही दोनों पिंडी और दोनों घोड़े और दोनों जगह हैं, और पीताम्बर पहरे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर पीताम्बर चमकीला और झीणा माने सूक्ष्म रेशमी, जिसमें भगवान का अंग सो चमकता है। कमर भगवान की पतली है, नाभि गंभीर कमर के पुष्प की माफक, और उदर के ऊपर तीन रेखा है, उसको त्रिवेणी कहते हैं। भगवान के चार भुजा है जो अजान बाहु माने चारों ही भुजाएं गोडों तक लंबी और बहुत ही सुंदर, दो भुजा नीचे को पसरी हुई है, दो भुजा ऊपर को उठी हुई है। नीचे की दोनों भुजाओं में गदा और पद्म है, ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र है। चारों हाथों में अंगूठी पड़े हुए, चारों हाथों में बाजूबंद बांधे हुए कड़ा पड़े हुए हैं, और चारों भुजा ऊपर से मोटी नीचे से पतली, बहुत ही चिकनी और चमकीली और सुंदर और कोमल, जिसको छूने से शरीर में बारम्बार रोमांच उड़ते हैं। भगवान माला धारण करके है, एक जो नाभि से भी नीचे तक लंबी पुष्पों की माला, बनमाला जिसको कहते हैं, दूसरी और मनाली तक, और गले में मोतियों की माला, रत्नों की माला भी भगवान ने धारण कर रखी है, और चंद्रहार पहरे हुए हैं, और कोष्ठ मणि और रत्न शरीर कंठ तो धारण कर रखा है, और हृदय स्थान के वहां श्री भगवती लक्ष्मी जी का चिन्ह जो प्रत्यक्ष की माफक जैसे दर्पण में मुख देखने की माफक दिखता है, उसके ऊपरी भाग के वहां भगवती जी की लता का चिन्ह है, और छाती जिनकी विशाल चौड़ी, और भुजा जिनकी लंबी, और कंधा जिनका पुष्ट है, ग्रीवा सुंदर, गला एक प्रकार से बहुत ही अपने सुशोभित, कंठ जिनके शंख की माप के छोटी सुंदर है, और अवश्य जो है तो बिंब फल की मापक चमकते हैं, लाल मणि की मापक कहिए, और समझो की दांतों की पंक्ति मानो मोतियों की पंक्ति हो, नाचिका अति सुंदर है, भगवान हंसते हैं मानो गुलाब का पुष्प खिला हुआ हो, ऐसे भगवान का मुख खिला हुआ है, या कमल का पुष्प जैसे खिला हुआ हो। भगवान के दोनों कपोल यानी गाल जो है एकदम खूबी चमकीले हैं, और उनके ऊपर कुंडलों की जो कानों में कुंडल पहन रखे उनकी आभा से पड़ती है, और उनमें गुलाबी रंग की साथ में झलक है, और उसके माँ समझो कि नील रंग की झलक तो है ही कि भगवान स्वरूप की भगवान का ऐसा है, और महान प्रकाश है, दोनों कान विशाल, कानों में मकराकृत रत्न जड़ित सुवर्ण के कुंडल पहरे हुए हैं, और दोनों नेत्र एकदम खुले हुए हैं,
जो सदा ही खुले रहते हैं, कभी भगवान पलक नहीं मारते और प्रेम से देखते हैं, मानो नेत्रों के द्वारा प्रेम की वर्षा करते हो। नेत्रों की आकृति कमल के पत्ते के समान और भगवान के दोनों नेत्र कमल के पुष्प के समान खिले हुए, नीलवर्ण के पुष्प के समान दोनों कमल मानो खिले हुए वो दोनों नेत्र कमल के पुष्प के समान, अपना मन रूपी भावरा मानो उसके चारों तरफ के बीच के मां समझो कि आनंद का अनुभव कर रहा है। कभी तो मन मुखारविंद को देखता है और कभी नेत्रों को कभी गाल को, तो भगवान का चेहरा देख देख करके मानो ऐसा मन मुग्ध हो रहा है। भगवान नेत्रों से हम लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, गुणों की वर्षा करते हैं। भगवान में अनंत गुण है, दया जो है, क्षमा है, शांति है, समता है, संतोष है, सरलता है, ज्ञान है, वैराग है, इस प्रकार से अनंत भगवान में गुण है। भगवान सब कोई को समभाव से देखते हैं, मानो समता की वृष्टि करते हो, प्रेम भाव से देखते हैं मानो प्रेम की वृष्टि करते हो, दया भाव से देखते हैं मानो दया की वृष्टि करते हो, दया प्रेम और ज्ञान की मानो वर्षा कर रहे हैं और हम लोग उसे के माँ एकदम मुग्ध हो रहे हैं। मानो कोई ज्ञान की आनंद की बाढ़ आ गई हो, प्रेम की बाढ़ आ गई हो और उसमें हम लोग मगन है सब कोई। भगवान एक प्रकार से अपने हम लोगों के ऊपर गुणों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान के हृदय में गुणों का जो समूह है और नेत्रों के द्वारा उनका विकास हो रहा है और भगवान उनका विकीर्ण कर रहे हैं। गुण तो निराकारी होते हैं, इस वास्ते ऐसे जो अपने गुणों को भगवान विस्तार कर रहे हैं हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, शरीर में, रोम रोम के मां भगवान के विकीर्ण किए हुए गुण परिपूर्ण हो गए हैं, व्यापक हो गए हैं। हम देखते हैं अपने में क्षमा, शांति, समता, संतोष, सरलता, ज्ञान, वैराग आदि अनंत गुण है, तो परिपूर्ण हो गए हैं। मानो भगवान के हृदय से, भगवान के नेत्रों के द्वारा निकल करके हमारे नेत्रों में प्रवेश होकर के हमारे सारे शरीर में मानो व्यापक हो रहे हैं। हम भगवान के नेत्रों को अपने नेत्रों से देख रहे हैं, एक तक देख रहे हैं, भगवान हमको देखते हैं और हम भगवान को देखते हैं। भगवान के नेत्र प्रफुल्लित हो रहे हैं, खिले हुए हैं, मानो एक प्रकार से थी भगवान का जो स्वरूप है प्रेम की भगवान मूर्ति हो। भगवान की भौहें बड़ी सुंदर, प्रकृति भी बहुत ही सुंदर है और ललाट चमक रहा है, उस ललाट के ऊपर श्रीधारी तिलक हो रहे हैं और शीश के ऊपर काले रंग के केस, ये गुड़े हुए केस और उस केसों के ऊपर रत्न जड़ित स्वर्ण का मुकुट है तो भगवान ने बांध रखा है। भगवान के मुखारविंद के चारों तरफ प्रकाश है तो खिला हुआ है, जैसे सूर्य की किरण खिली हो। सूर्य गर्म है और भगवान बहुत ही शांतिमय है, आनंदमय है, रसमय है, प्रेममय है। भगवान की वाणी भी बहुत ही सुंदर और प्यारी है, कानों के लिए भगवान की वाणी अमृत के समान प्यारी है और अर्थ युक्त भाव युक्त प्रेम करके परिपूर्ण ऐसी भगवान की सो वाणी। भगवान बोलते हैं तो भगवान के जो होठ हालते हैं वे एक जादू का सा काम करते हैं, से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, आनंद का प्रादुर्भाव होता है। भगवान के मन सुगंध जो है वो भी अलौकिक अमृतमय है। भगवान के मां जो गंध आती है वो नासिका के लिए अमृत के समान प्यारी लगती है। भगवान का जो स्पर्श है वो हाथों के लिए अमृत के समान है। भगवान का जो दर्शन है हमारे मानसिक नेत्रों के लिए अमृत के समान है। मानो मैं नेत्रों के द्वारा भगवान को पी जाऊं। भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप और चिंतन ये सभी अमृतमय है, रसमय है, आनंदमय है, प्रेममय है। भगवान का दर्शन, भाषण, स्पर्श ये सब मधुर है। भगवान के चरित्र मधुर, भगवान की मूर्ति मधुर, भगवान की वाणी मधुर, भगवान के सभी मधुर होने से भगवान को माधुरी मूर्ति कहते हैं। या भगवान का जो स्वरूप है या रूप माधुरी है, इनका स्वरूप एक अद्भुत अलौकिक है, जिसको देख करके कामदेव भी लज्जित हो जाता है। भगवान के रूप माधुरी को देख, देखो एक कैसा मधुर स्वरूप है, कैसा अलौकिक है, इसमें बड़ी भारी आकर्षण शक्ति है। भगवान मानो हम लोगों के ऊपर प्रेम की आनंद बार बार नेत्रों से थी मानो देखते हैं तो एक ज्ञान और आनंद और प्रेम ऐसा बरसाते हैं, देख करके हम सब मुग्ध हो जाते हैं।
कामदेव से बढ़कर के सुंदरता है, चंद्रमा से बढ़कर शांति, पृथ्वी से बढ़कर के क्षमा, एक क्या ऐसे अनंत गुण हैं। परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देवं अरुंधुम। आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, सब कोई ही लोग आपको शाश्वत पुरुष कहते हैं, दिव्य पुरुष कहते हैं, आपको आदि देव अजय और सर्वव्यापी कहते हैं, आप ही हमारे सब कुछ हो। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। हे देव देव, आप ही हमारे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, सखा हो, धन हो, विद्या हो, और भी जो कुछ हो, आप हमारे सर्वस्व स्व आप। प्रभु हम आपसे यही चाहते हैं कि जैसा हम ध्यानावस्था के माँ आपका दर्शन कर रहे हैं, ऐसा ही दर्शन हम प्रत्यक्ष चाहते हैं, फिर कभी आपसे हमारा वियोग न हो, हम सदा ही आपके पास में रहें। प्रभु आप में हमारा परम प्रेम हो, अनन्य प्रेम हो, विशुद्ध प्रेम हो, आप में हमारी परम श्रद्धा हो, आपको छोड़ करके और किसी में न हमारी श्रद्धा हो न प्रेम हो। प्रभु आपको आए बहुत समय होया, अब मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, बारम्बार आपको नमस्कार करता हूँ, साष्टांग नमस्कार करता हूँ, बारम्बार भगवान को साष्टांग नमस्कार करके अब भगवान की पूजा करने का विचार किया गया है। हम क्या देखते हैं कि हमारी दाईं तरफ के माँ एक मलयागिरी चंदन का तख्त है, जो स्वर्ण से मढ़ा हुआ और रत्नों से जड़ा हुआ, ऐसा ही तख्त एक बाईं तरफ के बीच में वो खाली है, और दाईं तरफ के तख्त के ऊपर सारी सामग्रियां परा से देवतों ने जाकर के रखी है। तख्त 3 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा है, और उसके ऊपर पंक्ति के अनुसार सब सामग्रियां सजाई हुई है। पहली पंक्ति के बीच के माँ समझो कि एक लोटा, 3 गिलास और 3 कटोरे ला करके रखे हैं, स्वर्ण के बर्तन और गंगा जल से भरे हुए, उसमें दिव्य सुगंधी दी गई है। भगवान जो है एक प्रकार से हमारे सामने विराजमान हैं, और हम खड़े होकर के उनकी पूजा करते हैं। भगवान का जो स्वरूप है वो भी आपने समझो कि हमारे भाव से, श्रद्धा से, और हमारा भी शरीर मानसिक है, और पूजा की सामग्री भी सब मानसिक है, और हम जो क्रिया करते हैं वो भी सब मानसिक। भगवान स्नान करके आए हैं, वस्त्र पहन करके आए हैं, यज्ञोपवीत धारण करके आए हैं, इसलिए स्नान की आवश्यकता नहीं। भगवान के चरण धोने के लिए जो पाद्य जो है, चरण धोने का जल वो हम दे रहे हैं, एक कटोरा जो है गंगा जल का भरा हुआ, उसके माँ केसर कुमकुम की सूरी और कर्पूर आदि सुगंधित द्रव्य उसमें मिलाए हुए हैं, ऐसा जो जल है उसे को लेकर के हम भगवान के चरण धोए हैं, बाएं हाथ से जल ढालते हैं और दाएं हाथ से भी भगवान के चरणों को धो रहे हैं, और धोने के समय ये मंत्र बोलते हैं, ओम पादयो पादं समर्पयामि नारायणाय नमः। भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार हो, मैं ये चरण धोने के जल से आपका चरण तो धो रहा हूँ। फिर वो प्याला जब खाली हो जाता है तो बाहर की तरफ बाई तरफ में रख देता हूँ, और एक रुमाल को लेकर भगवान के चरणों को पूछ कर उसको भी मैं बाई तरफ रख देता हूँ, अपने हाथों को पवित्र लोटे के जल से धो लेता हूँ। हाथ धोने के बाद फिर दूसरा बर्तन लेता हूँ जिसको अर्घ कहते हैं, एक प्याले के बीच के माँ स्वर्ण के प्याले में गंगा जल लाकर रखा हुआ है, उस प्याले को लेकर के भगवान को अर्घ दे रहा हूँ, और भगवान छोड़ देते हैं। नीचे एक स्वर्ण का थाल है, उसमें जाकर के वो इकट्ठा हो जाता है, उसी में वो चरणों का जल भी जाकर इकट्ठा हो गया, ये जल भी। अब प्याला खाली होने पर मैं बाएं हाथ की तरफ में जो चौकी वहां रख देता हूँ। अब जो है मैं क्या देखता हूँ कि आश्रम के जो तीसरा प्याला लेकर जल का जिसके वहाँ तीसरे कुंभ मिले हुए हैं, सब सुगंधित द्रव्य मिले हुए हैं, उस प्याले को अपने हाथ में लेकर भगवान को आसमन कराता हूँ, भगवान के हाथों को धुला करके और मैं भगवान को जल देता हूँ। भगवान दें हाथ से 3 बार आसमन करते हैं, और मैं आसमन करने के समय ये मंत्र बोलता हूँ, ओम आत्मनियम समर्पयामि नारायणाय नमः। भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार, ओम आपको आसमन कराता हूँ। इस प्रकार से आसमन करा करके भगवान का फिर हाथ धुला देता हूँ, हाथ धुला करके वो प्याला बाई तरफ में रख करके रुमाल से भगवान के हाथों को पोंछ करके वो रुमाल भी बाई तरफ में रख देता हूँ, और फिर मैं क्या देखता हूँ, एक स्वर्ण की कटोरी के बीच के माँ
भगवान के तिलक करने के लिए चंदन घस करके रखा है, उसमें भी केसर कुमकुम की सूरी और कर्पूर आदि शामिल है। उस कटोरी को बाएं हाथ में थाम करके दाएं हाथ से भगवान के मस्तक के ऊपर मैं खूब सुंदर सो तिलक सो कर रहा हूँ और ये मंत्र बोलता हूँ, ओम गंधम समर्पयामि नारायण, भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार हो, मैं आपके मस्तक के ऊपर गंध लगाता हूँ। गंध लगाने के बाद के बीच के मैं उस कटोरी को बाई तरफ रखकर अपने हाथों को धो लेता हूँ, तो अपने हाथों के माँ भी सुगंध है तो खूब बढ़िया तो आ रही है।